रेडी। तो गाइस निकल चुके हैं, फर्स्ट राउंड हमने कर दिया स्टार्ट। गाइस इस बार आप देख सकते हो कि भाई ने थोड़ी सी पहले लॉन्चिंग कर दी है और बाकी गाइस भाई का वेट मुझसे बहुत ज्यादा कम है, तो भाई यदि उससे इतनी मशक्कत कर रहा है जीतने में और वेट का क्या तगड़ा प्रॉफिट ले रहा है भाई। ओ शिट गाइस, एक प्रॉब्लम हो गई है। हेलो गाइस, दिस इज रोहित एंड वेलकम बैक टू द रोहित रैंडम। तो गाइस आप देख सकते हो आज फिर से दो बहुत ही बढ़िया बाइक्स लेकर आए हैं। एक तरफ हमारे पास है RC 125 जो इनिशियल में काफी ज्यादा वीक है और दूसरी साइड हमारे पास है क्लासिक 350 जो इनिशियल में बहुत ज्यादा बेस्ट है, लेकिन गाइस इसका वेट और परफॉर्मेंस की वजह से ये थोड़ी सी पिकअप में मार खा जाती है। आज दोनों ही बाइक्स हमारे पास ज्यादा वेट की थोड़े कम पावर वाली है। मैंने सोचा क्यों ना आज इन दोनों के बीच भी एक ड्रैग करके देखी जाए। दोनों ही बाइक्स की पावर और परफॉर्मेंस आप मेरी लास्ट वीडियो में चेक कर ही चुके हो, दोनों ही बाइक्स के साथ काफी ज्यादा ड्रैग बना चुके हैं। दोनों ही बाइक्स की पावर परफॉर्मेंस आप उन वीडियोस में चेक कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी गाइस इन दोनों के बीच में हमने सोचा क्यों ना आज एक ड्रैग करके देखी जाए। काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं क्लासिक 350 वर्सेस RC 125 की ड्रैग रेस। और जहां मैं पावर की बात करूं तो एक तरफ हमारे पास है KTM की RC 125 जो की 124 cc के इंजन में मिलती है। ये हमें 12 Nm के साथ 14 bhp की पावर जनरेट करती है। और गाइस जहां मैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की बात करूं तो ये हमें 348 cc के इंजन में मिलती है और ये 20 bhp के साथ 27 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। जहां तक मुझे लगता है इनिशियल में काफी ज्यादा बेस्ट है और RC से आगे निकल सकती है, लेकिन फिर भी गाइस देखेंगे क्योंकि आपको पता है लॉन्ग रेस में और टॉप एंड में हमारी RC बहुत ही तगड़ा दम पकड़ती है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस निकालती है। तो देखते हैं गाइस कि आज की ड्रैग में क्या होता है। ड्रैग स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं सीधा आपसे ड्रैग ट्रैक पर। सो गाइस आ चुके हैं हम हमारे ड्रैग ट्रैक पे और आप देख सकते हो कि पहले मैं हमारी क्लासिक 350 ड्राइव कर रहा हूँ और भाई हमारे ड्राइव कर रहे हैं हमारी RC 125। सो गाइस कर रहे हैं हमारा फर्स्ट राउंड स्टार्ट और देखते हैं कि आज इन दोनों बाइक्स में ड्रैग करके क्या रिजल्ट निकलता है हमारा। रेडी। तो गाइस निकल चुके हैं, फर्स्ट राउंड हमने कर दिया स्टार्ट और देखते हैं गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि टॉप एंड में तो हमारी RC निकलना है, अब देखते हैं भाई हमें कहां तक पकड़ पाता है। हमारा ट्रैक आपको पता है कि ज्यादा लॉन्ग नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई वहां तक तो मुझे क्रॉस कर ही देगा। गाइस फर्स्ट राउंड में तो हम विनर रहे। सो गाइस फर्स्ट राउंड आपने चेक किया ही, बहुत ही बढ़िया विनर रही हमारी क्लासिक 350। लेकिन गाइस फर्स्ट राउंड में आपने चेक किया ही, एक बंदा कार वाला आ गया था बीच में, इसलिए हमारा थोड़ा सा फर्स्ट राउंड बिगड़ चुका है। अब सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। तो चलिए गाइस हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। रेडी। तो गाइस इस बार आप देख सकते हो कि भाई ने थोड़ी सी पहले लॉन्चिंग कर दी है, लेकिन देखता हूँ गाइस मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। और भाई इस बार पूरी मेहनत से लगा हुआ है जीतने की कोशिश में और बाकी गाइस भाई का वेट मुझसे बहुत ज्यादा कम है, तो भाई यदि उससे इतनी मशक्कत कर रहा है जीतने में तो गाइस मैं तो 100% RC से हारूंगा ही।
सो गाइज, दो राउंड करने के बाद हम दोनों की बाइक्स में क्या रिजल्ट है कुछ भी समझ नहीं आया, और कौन इस ब्रेक का विनर रहा, कौन फर्स्ट राउंड में विनर रहा, ये भी समझ नहीं आया। क्योंकि आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट राउंड में एक कार आ गई थी और सेकेंड वाले राउंड में मेरी लॉन्चिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसलिए गाइज, दोनों ट्रैक का रिजल्ट समझ नहीं आया है और कोई प्रॉपरली रिजल्ट नहीं निकला है। इसलिए हम थर्ड राउंड फिर से सेम बाइक से कर रहे हैं और फोर्थ राउंड में हम राइडर स्विच करेंगे। तो चलिए गाइज, हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं। चलो, रेडी। तो गाइस, इस बार भी आप देख सकते हो भाई ने लॉन्चिंग तगड़ी की है। ओ शिट, मैंने थोड़ा सा गियर ज्यादा खींच दिया। और गाइस, आप देख सकते हो बिल्कुल कांटे की टक्कर है। बस प्रॉब्लम मुझसे गाइस ये हो गई कि मैंने सेकेंड और फोर्थ गियर में थोड़ा सा गियर ज्यादा खींच दिया, और उसमें आरपीएम इशू के कारण मैं ये थर्ड राउंड हार चुका हूँ। और आरसी 125 बहुत ही बढ़िया विनर रही। तो अब चलिए गाइस, फोर्थ राउंड में हम राइडर स्विच करेंगे। सो गाइस, थर्ड राउंड भी आप चेक कर चुके हो और इस बार रिजल्ट क्लियर रहा कि भाई को शायद वेट का बहुत ही बढ़िया एडवांटेज मिलता है, शायद इसलिए भाई थर्ड वाला राउंड जीत चुका है हमारा, और थर्ड वाले राउंड में आरसी से विनर रहा। अब गाइस देखते हैं कि हम इस पे आ चुके हैं और भाई उस पे जा चुका है, तो इनिशियल पावर के साथ वेट का भी भाई को एडवांटेज है। अब देखते हैं कि हमारे फोर्थ राउंड में क्या होता है और मैं आरसी से भाई को टक्कर दे पाता हूँ या नहीं। तो चलिए गाइस, हमारा फोर्थ राउंड स्टार्ट करते हैं। रेडी। और गाइस निकल पड़े हैं और आप देख सकते हो भाई ने क्या पोजीशन ले रखी है और वेट का क्या तगड़ा प्रॉफिट ले रहा है भाई। ओ शिट भाई, गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है। आपने देखा ही, हमारा हेडलाइट का जो कवर था वो निकल के गिर चुका है। और गाइस, वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्रिस्टा खड़ी है और क्रिस्टा के बिल्कुल पीछे जा कर के गिरा है वो। अच्छा हुआ गाइस भाई की गाड़ी में नहीं लगा, नहीं तो भाई हमारे माथे भी आ सकता था। थोड़े से स्क्रू लूज हो गए होंगे और इसलिए निकल गया वो। तो अब गाइस, होता है तो इसे रख लेते हैं साथ में, क्योंकि इसे मुझे लॉक कराना पड़ेगा। तो गाइस, लास्ट वाले राउंड में आपने चेक किया ही कि हमारे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए अब हम फोर्थ राउंड फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है। वैसे आपने चेक किया ही कि भाई को वेट का बहुत ही बढ़िया एडवांटेज मिल रहा है। अब देखते हैं गाइस, चेक करते हैं कि भाई इस रेस में विनर रहता है या नहीं रहता। तो चलिए गाइस, हमारा फोर्थ राउंड स्टार्ट करते हैं। चलो रेडी। गाइस निकल चुके हैं और आप देख सकते हो कि भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल रहा है आगे, और मैंने कहा है कि भाई को वेट का बहुत ही बढ़िया एडवांटेज मिलता है। तो भाई वेट का प्रॉफिट लेते हुए हमारी प्रॉपरली ड्रेक जीत जाता है यार। तो गाइस, फोर्थ वाले राउंड में भी भाई ही विनर रहा और आज की ड्रैग के सारे राउंड्स में भाई ही विनर रहा। सो गाइस, आई होप आपने हमारे चारों राउंड चेक किए होंगे और बहुत ही बढ़िया मजा आया हमारी इस ड्रैग में। हमने सोचा नहीं था गाइस आरसी 125 से हमारी क्लासिक 350 भी जीत सकती है। मैंने जैसा आपको पहले ही कह दिया था कि आरसी 125 का इनिशियल पावर थोड़ा सा वीक है, हर ड्रैग में ये कह चुका हूँ गाइस मैं आपको, किसी भी ड्रैग को जीतने के लिए इनिशियल पावर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पर आपको रिजल्ट दिख ही गया कि आरसी 125 का इनिशियल पावर थोड़ा सा वीक है, इसलिए क्लासिक 350 उससे जीत चुकी है। लेकिन गाइस, आप सभी को पता है कि टॉप में बहुत ही बढ़िया विनर रहेगी हमारी आरसी 125। हमारे नीरज भाई का वेट मुझसे बहुत ज्यादा कम है, ऑलमोस्ट 15 से 20 केजी भाई का वेट मुझसे कम है, इसलिए भाई को बहुत ही बढ़िया एडवांटेज मिलता है। और चारों राउंड में भाई विनर ही था, भाई ने बहुत ही बढ़िया डिस्टेंस कवर किया और बहुत ही बढ़िया विनर रहा। जहां हमें आरसी 125 का वेट ऑलमोस्ट 160 केजी मिलता है, वहीं हमें क्लासिक 350 का वेट 195 केजी मिलता है। तो गाइस, वेट का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है इंजन के साथ साथ। दोनों बाइक के प्राइस की बात करूं तो दोनों ही बाइक का प्राइस बिल्कुल सेम है, दोनों ही
बाइक्स हमें 2,20,000 के अराउंडिंग मिल जाती है। तो गाइज अब इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day.